गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ सुष्मिता बांचल, आई स्टडी क्लास BSc फर्स्ट ईयर, वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लागदा। आज हम हमारे फिजिक्स स्टेप में जैगर मेथड से किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालेंगे। करने के लिए जो हमें आवश्यक एपरेटस चाहिए वो चाहिए सबसे पहले माइक्रोमीटर का स्केल, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड वाटर जिसका कि हमें सरफेस टेंशन निकालना है, और कैपिलरी ट्यूब और जेलिंग जो कि हमारे ट्यूब में भरा रहे। 1 सेंटीमीटर लिया है तो उसको 1 सेंटीमीटर डेप्थ में हमें वाटर में डुबा देना है। तो जैसे हमने डुबा दिया, उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ पर ये हमारा स्टॉप कॉक है, तो अब हमें इस स्टॉप कॉक को थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि यहाँ से बबल बने। तो जैसे हम स्टॉप कॉक को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक बबल बनेगा, और जैसे वो बबल निकलेगा तो हमें इन दोनों की ए और बी की रीडिंग ले लेनी है, और ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है। फर्स्ट सेंटीमीटर जब हमने 1 सेंटीमीटर लिया है उसी में हमें 3 बार ऐसा करना है, तो हम दोबारा से भी करेंगे, तो फिर से हमें इन दोनों की रीडिंग ले लेनी है, और उसके बाद क्या करना है कि ए और बी जो हमारे हैं उसका मेन निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसको 2 सेंटीमीटर डेप्थ में डुबाना है, और फिर से हमें स्टॉप कॉक को प्रेस करना है, और उसके बाद जैसे बबल बने हमें इन दोनों की रीडिंग ले लेनी है। उसके बाद हमें 3 सेंटीमीटर डेप्थ में इस कैपिलरी ट्यूब को डुबाना है, और उसके बाद स्टॉप कॉक को प्रेस करके जैसे बबल बने वैसे हमें इन दोनों की रीडिंग नोट कर लेनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जैगर्स मेथड से जो सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है RG/2 रो डेस एच माइनस रो एच, जहाँ पर रो डेस डेंसिटी ऑफ जेलिन होती है, और रो डेंसिटी ऑफ वाटर, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और एच ए माइनस बी जो हमने ए और बी लिया था उसका अंतर, और एच होता है डेप्थ ऑफ ट्यूब जितने की ट्यूब वाटर में डूबी हुई है। तो जब हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे